नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप स्वराज भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार सरकार अब सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों को 5 लाख तक का मुआवजा देगी और इसकी शुरुआत आगामी 15 सितंबर से होने वाली है। जी हां, हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों को 5 लाख तक का जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000 तक का मुआवजा देने का प्रावधान है, जिसकी शुरुआत आगामी 15 सितंबर से की जाएगी। इसकी जानकारी परिवहन मंत्री शीला मंडल ने दी। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं परिवहन मंत्री शीला मंडल से। देखिए, जहाँ तक शुरू की बात है, आप लोग पता होगा कि ये कैबिनेट से पास हो चुका है और अभी 15 सितंबर से शुरू होगा। बड़ी योजना है सरकार की, क्या लगता है ये तो बेहतर आप ही लोग बता सकते हैं कि जब आदमी के घर में परेशानी आएगी, उसको जब सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा तो ऑब्वियसली उसको राहत ही मिलेगा। ज्यादा किराए को लेकर एक निर्देश जारी हुआ है मैडम, क्या है आखिर निर्देश जारी क्यों करना पड़ा ज्यादा किराया? आप लोगों ने कहा है किराया ज्यादा वसूली कर रहे हैं किराया, तो आखिर निर्देश जारी क्यों करना पड़ा? देखिए, आपने खुद कहा कि ज़्यादा वसूली कर रहा था, तो आप जब लोग गलती करेगा तो कर सख्ती से कराए उसको करना ही पड़ेगा। इसी के तहत हम लोगों ने आदेश दिया है कि उसको सख्ती से कराई करना है। जो लोग बस वाले लोग अधिक भाड़ा लेते हैं, उसका तो लाइसेंस परमिट भी रद्द करना है कि जुर्माना भी करना है, बस को भी जब्त कर लेना है। मैडम, बाहर के राज्यों में देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर सब्सिडी दी जाए। देखिए, सबसे पहले तो सब्सिडी तभी मिलेगा जब इलेक्ट्रॉनिक के लिए उसका पावर पॉइंट बनता है। तो जब अगर पूरे बिहार में इस तरह से पावर पॉइंट पहले बन जाएगा, तभी ना उसके विषय पर हम लोग आगे सोचेंगे कि इसको क्या करना चाहिए। अभी तो फिलहाल हम लोग पावर पॉइंट बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी तो देखिए, पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, गया में है, तभी सीमित जगहों में है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आगे चाह रहे हैं कि अभी आप सुने होंगे कि अभी बढ़ेगा, दरभंगा में भी होने जा रहा है। तो सभी जगह जब बढ़ जाएगा तो इस पर हम लोग को विचार करें। आपने कोई टारगेट रखा कि कब तक इन पावर पॉइंटों को इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, टारगेट की जहाँ तक बात है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। आप देखिए कि आप खुद देख लीजिए कि अभी जहाँ तहाँ सब जगह इस तरह का पावर पॉइंट बनना शुरू हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कि सीएनजी के लिए सभी जगह देख रहे हैं, पाइपलाइन भी बिछ रहा है। तो जब पूरा हो जाएगा तो सभी जगह सीएनजी बसें चलेगी। दूसरे जगह बिहार, हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच होता है, हमेशा हर योजना जो लागू होता है वो देखिए, हम लोग का योजना पहले निकलता है, बाद में हर स्टेट को लागू करता है। तो बिहार इसमें पहला राज्य होगा जो इस तरह से निर्णय लिया। 15 साल जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको हटाने का क्या था? तो 15 साल वाली जो गाड़ी है उसको आप देख रहे हैं कि उसको जो प्रदूषण जितना फैला हुआ है, जल जीवन हरियाली जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम सपना, उसी के तहत परिवहन विभाग और राज्य सरकार दोनों देख रहे हैं कि अभी आप अपने देखा होगा कुछ दिन पहले पटना में सीएनजी बसें, इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हुआ है। इसी को ध्यान में रख करके ही चालू किया गया, ताकि जो अति पटना में जो प्रदूषण था उसको कम किया जा सके। तो जो जितनी पुरानी गाड़ियों को है, जो वो प्रदूषण भी ज़्यादा फैलाता है और वो एक्सीडेंट भी उसके कारण कहीं कहीं हो जाता है, तो उसको हटाने का भी प्रावधान हम लोगों ने किया है। और जो लोग उसके तहत दूसरा उसको सीएनजी में